गोल्डी बराड आतंकी घोषित, चलते न्यूज एक्सप्रेसवे पर जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें मौजूद हैं। गैंगस्टर गोल्डी बराड के खिलाफ सरकार ने बड़ी कार्रवाई की, उसने बराड को आतंकवादी घोषित कर दिया। गोल्डी बराड को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला केस का मास्टरमाइंड माना जाता है। जांच एजेंसियों को गोल्डी बराड की आखिरी लोकेशन अमेरिका में मिली थी। बताया जाता है कि वो अमेरिका में ही किसी फर्जी नाम से रह रहा है। राम मंदिर मामले में फैसले को लेकर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि अयोध्या का फैसला जजों की सर्वसम्मति से लिया गया। सीजीआई के मुताबिक इसमें संघर्ष के लंबे इतिहास को देखते हुए एक राय बनी। जम्मू कश्मीर को लेकर मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह ने अहम बैठक बुलाई। इसमें वहां के उपराज्यपाल, डीजीपी, आईपी चीफ और रॉ चीफ समेत कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियान पर आगे के कदमों और भविष्य के रोडमैप पर चर्चा होगी। दिल्ली एनसीआर से जीआरएपी 3 नियम हटा दिया गया। हवा की गुणवत्ता में थोड़ा सुधार होने के बाद यह फैसला लिया गया। अब यहां बिना रोक टोक पहले की तरह वाहन चल सकेंगे। इसके साथ ही अब दिल्ली एनसीआर में निजी निर्माण कार्यों में लगी पाबंदी भी हट गई है। नए साल के पहले दिन जापान में 20 से ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसमें एक भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.6 मापी गई। इसके बाद जापान, दक्षिण कोरिया और आसपास के देशों में भी सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया। इस भूकंप से समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठी, साथ ही मॉल और दूसरी जगहों पर सामान इधर उधर बिखर गया। इसके अलावा कई सड़कों में दरारें आ गई। इस बीच जापान में भारतीय दूतावास ने कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं ताकि वहां रह रहे भारतीयों को मदद मिल सके।